सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का नियॉन हैकर मार्क्स कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अगर आपको भी इस तरह का फोटो एडिट करना है और वो भी बहुत ही इजी वे में, तो ये वाली वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप यहाँ पे देख सकते हो 85% से ज्यादा लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक किया हम 750 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, कंप्लीट करा देना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सेल ऐप में ये वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन पे। और ड्रॉ टूल में आने के बाद आपको यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। फिर आपको फोटो पे क्लिक करना है। और फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको अपना फोटो यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। तो मैंने इसे ऐड कर लिया, यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे कहाँ पे भी टैप कर देना। फिर ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कर देना है ट्रांसफॉर्म। और ऐसे आपको अच्छे से एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो मैंने इसे कर लिया है। इसके बाद जो है आपको बैकग्राउंड वाला जो ऑप्शन है इसे आपको ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के बाद आपको ये वाला जो आइकॉन है आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। एम्प्टी लेयर पर क्लिक कर देना। और यहाँ पे आपको ये वाला जो नीचे वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो आपको पिंक कलर को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से कर देना डन। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको आपको कर देना है XOR वाला ऑप्शन पे। फिर वही चीज़ आपको वापस से रिपीट करना है, यहाँ पे क्लिक करके एम्प्टी लेयर। फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको पिंक कलर सिलेक्ट करना और यहाँ पे क्लिक करके आपको XOR कर देना है। तो मैंने इसे कर लिया। इसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके इमेज को सेव कर देना है। और इस बार आपको जो यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन था उसके ऊपर आपको वापस से क्लिक करना है। और इस बार आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से कर देना डन। तो ये जो कलर है अभी ब्लू कलर हो जाएगा। इसके बाद आप थ्री डॉट पर क्लिक करके इमेज को सेव कर देना है इसे भी। और इसका यूज़ हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। इसके बाद आपको जो है बैक वाला बटन जो नीचे की सड़ा रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करते चला जाना है, ताकि आपका फोटो पहले की तरह हो जाए। और यहाँ से इसे आपको डन कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक PNG मिलेगा, सिंपल से उसे आपको ऐड कर लेना है। और ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद जो है इसे आपको ऐसे जूम कर देना है, ओनली हाफ आपके फोटो में रखना चाहिए इस तरह से। फिर जो है आप यहाँ पे इसका जो ब्लेंडिंग मोड है, इस ब्लेंडिंग मोड को आपको यहाँ पे कर देना है ओवरले वाले ऑप्शन पे, जो है लास्ट है सेकेंड वाला ऑप्शन पे। और इसका जो ओपेसिटी है आप यहाँ पे रख लेना 40%। और यहाँ से इसे आपको डन कर देना है। और यही चीज़ आपको एक दूसरा होगा मतलब ब्लू कलर का, उसके साथ भी कर लेना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो एक तरफ पिंक है और दूसरा तरफ ब्लू है। इसके बाद जो हम ऐड फोटो पे फिर से जाएंगे और इस बार हम ऐड कर लेंगे इस वाले सॉफ्टलेट PNG को जो हमने थोड़ी देर पहले सेव किया था। और इसे जो है सबसे पहले आपको ब्लू कलर सिलेक्ट करके यहाँ से इसे आपको ऐसे फुल जूम कर देना है। फिर इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसे आपको यहाँ पे कर देना है ऐड वाले ऑप्शन पे। और इसके बाद आपको एरेस पे जाना है, यहाँ से इन्वर्ट कर देना। फिर रिस्टोर पे जाके आपको हार्डनेस को बिल्कुल यहाँ पे 1 पे रख देना है। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और जिस तरफ भी आपका ब्लू कलर आ रहा है वैसे आपको ओनली साइड साइड में बॉर्डर्स वाले पार्ट पर आपको ऐसे अप्लाई कर देना है। तो जल्दी से कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। और ये चीज़ आपको दूसरे तरफ पिंक वाले साइड में भी कर देना है। तो जल्दी से कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे फिर ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे। और इस बार जो है हम अपना टेक्स्ट PNG को यहाँ से ऐड कर लेते हैं। और इसे ऐड करने के बाद इसका जो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड है आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीन कर सकते हो या फिर ऐड वाले ऑप्शन पे कर सकते हो। तो मैं जो यहाँ पे ऐड रख रहा हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप ऐड ही रखना। और ऐसे आपको ऊपर की तरफ ऐसे एडजस्ट करके डन कर देना है। फिर से आपको ऐड फोटो पे जाना है और इस बार हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ये वाला जो PNG को। और इसको जो है हम यहाँ पे ऐसे जूम करेंगे, ब्लेंडिंग मोड को हम यहाँ पे कर देंगे स्क्रीन। और इसको आपको फोटो के नीचे के साइड ऐसे एडजस्ट कर देना है ताकि आपका मॉडल जो है बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए। इसके बाद हम वापस से ऐड फोटो पे जाएंगे और इस बार हम ऐड कर लेते हैं इस वाले PNG को। और इसे जो है आपको बिल्कुल ऐसे फुल स्क्रीन करना है। फिर इसका जो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड है इसे आप यहाँ पे कर देना स्क्रीन या फिर कर देना ऐड। तो मैं यहाँ पे ऐड रख रहा हूँ। और इसका जो ओपेसिटी है आप यहाँ पे 80% के आसपास रख लेना। तो मैं यहाँ पे 75 रख के डन कर लेता हूँ। इसके बाद हम ऐड फोटो पे जाएंगे और इस बार हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जो अपना मेन है इसे। और इसे ऐड करने के बाद इसको जो आप अपने हाथ के पास एडजस्ट कर देना और आप जो है अपना पोज भी दे देना कुछ इस तरह से। और ऐसे करने के बाद इसका जो यहाँ पे ओपेसिटी है आप यहाँ पे रख लेना कुछ यहाँ पे 55%। फिर एरेज पे चले जाना और यहाँ पे जो है इरेजर वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर इरेजर का यहाँ पे रख लेना 88 हार्डनेस और साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हो। और ऐसे आपको जहाँ पे भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आपको इरेज कर देना है। तो मैंने इसे कर लिया है। इसका इसको जो ओपेसिटी है आप यहाँ पे रख लेना 100% और यहाँ से डन कर देना। फिर हम फिर ऐड फोटो पे जाएंगे और इस बार जो है एक थोड़ा सा शाइनी टाइप का PNG रहेगा उसे आपको ऐड करना है। और इसका जो है आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड को कर देना है स्क्रीन। और इसको जो है आपको अपने मास्क के यहाँ पे एक वाले साइड रख सकते हो या फिर इस वाले साइड रख सकते हो। मैं जो इस साइड रख के इसका जो ओपेसिटी है यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इतना और यहाँ से डन कर देता हूँ। और ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे, एडजस्ट पे जाएंगे
और यहाँ पे जो आपको सैचुरेशन का ऑप्शन मिल रहा होगा, सॉरी ब्राइटनेस का, इसको आपको बढ़ा लेना है 7%, फिर सैचुरेशन को आपको 6% बढ़ा लेना है, फिर क्लैरिटी को थोड़ा सा और टेम्परेचर को थोड़ा सा माइनस कर देना, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन को भी थोड़ा सा माइनस करके यहाँ से इसे आपको डन कर देना है। और ये होने के बाद आपको ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके इमेज को सेव कर लेना है, तो आपका फोटो हो चुका है रेडी और देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे।